बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोजस नाज़रीन, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। बहुत शुक्रिया उन तमाम अहबाब का जो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करते हैं। और गुजारिश उन तमाम दोस्तों से वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज आपको लिए चलेंगे जी किंगडम वैली। न्यू व्यूवर्स के लिए बताता चलूं कि किंगडम वैली गवर्नमेंट से मंजूर शुदा एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, M2 मोटरवे से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है। 1 साल पहले डेवलपमेंट का आगाज़ किया। मेरी कल रात को 1-to-1 मुलाकात हुई है जो चेयरमैन है ग़ुलाम हुसैन शाहिद साहब उनसे, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब उनसे। बहुत ज़्यादा सवाल, लोगों के सवाल, हमारे सवाल हमने उनके सामने रखे हैं, जिसमें 2-3 चीज़ें बड़ी काबिले ज़िक्र हैं। बड़ा मुख्तसर सा ये वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो पूरी सुनिएगा ताकि आपको पूरी चीज़ का नॉलेज हो। पहला सवाल था किंगडम वैली की मैनेजमेंट से कि आपकी डेवलपमेंट बड़ी स्लो है, पहला सवाल। दूसरा सवाल था कि आपकी फाइल रीसेल में अभी नहीं आई है। तीसरा सवाल जो सबसे मेन सवाल है कि बेल्टिंग कब हो रही है। चौथा सवाल, अगर बेल्टिंग कर रहे हैं तो क्राइटेरिया क्या है। और पांचवा सवाल के बेल्टिंग की डेट क्या है। ये बड़े मेन क्वेश्चन थे जो हमने किंगडम वैली की मैनेजमेंट से किए। काफ़ी टाइम हमारी मुलाकात रही मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर, हर लिहाज से जो जो मेरे पास कंप्लेंट थी लोगों की मैंने मैनेजमेंट के सामने रखी और उनको सुनाई, स्क्रीनशॉट दिए, दिखाया। उन्होंने वादा किया है कि अगले 24 आवर्स के या 48 आवर्स के अंदर अंदर इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मेरे जो क्लाइंट हैं मैं उनके ज़िम्मेदार हूं, बाकी सारे अपने ही हैं। किसी को ज़रूरत पड़ती है, कोशिश होती है कि आप लोगों का मसला हल कर दिया जाए, लेकिन जो आपका डीलर होता है वो अगर हल कराना चाहे तो वो करा सकता है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। पहले सवाल की जानब चलते हैं, किंगडम वैली की डेवलपमेंट स्लो क्यों है जी। उन्होंने कहा है कि आजकल तो वैसे ही बारिशें हैं, कच्ची ज़मीनें हैं। हमने 1 साल में जितना एक काम किया है, आप बता दें कि इतना किसी ने आज तक किया है। आप पीछे करतबा सिटी तक जाके गलियां लग चुकी हैं, सीवरेज डल चुकी है, अभी जो है गेड़े डालने हैं और रोड्स बनानी है। और इंशाल्लाह आप ये देखिएगा, उन्होंने जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि अगस्त से दिसंबर तक आपको बहुत ज़्यादा चेंजिंग नज़र आएंगी। आजकल वो KPL में भी थोड़ा सा बिज़ी हैं, कश्मीर प्रीमियर लीग उन्होंने उसके भी ये चेयरमैन उन्होंने ख़रीदी है, जिसका लाला शाहिद खान अफरीदी कैप्टन है, जो हमारे दिलों की धड़कन है। तो उधर थोड़ा सा बिज़ी है, मैनेजमेंट थोड़ा सा मसरूफ़ है, लेकिन उन्होंने कहा जी अगस्त के बाद आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट और चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई जाएंगी। ये बात उन्होंने इससे पहले भी की थी। दूसरा जो मेन सवाल था वो था जर्नल ब्लॉक की बेल्टिंग कब करेंगे। जनाब, जर्नल ब्लॉक की बेल्टिंग अक्टूबर में करेंगे, अक्टूबर में, क्योंकि जो मेरी मुलाकात हुई है ये मैसेज जो है मुझे मिला है कि आप बेशक बेधड़क हो के ये करें कि अगस्त और सितंबर इन दोनों में, ये 2 महीने हैं लोगों, और अक्टूबर के एंड में या अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के फर्स्ट वीक में वो जर्नल ब्लॉक की बेल्टिंग करेंगे। अब सवाल ये है कि कितने परसेंट पे करेंगे, क्राइटेरिया क्या रखा है, और टोटल कॉस्ट का 75%। अगर आपका 5 मरले का प्लॉट जो है 9,75,000 रुपये का है तो उसका 75% आप निकाल लें। अगर आपका 8 मरले वाला प्लॉट 13,50,000 का है तो आप उसका 75% निकाल लें। या आपके पास सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह, ये मोबाइल है, आप इसमें लिखते जाएंगे जी 9,75,000 और उसको आप वो उसका परसेंटेज निकालेंगे, 25% निकाल दें या 75% निकाल दें तो वो बकाया रकम आपके पास आ जाती है। वो आपने कैलकुलेशन ख़ुद करनी है जी।
और आप बैंकों के ज़रिए जमा कराते हैं या उनकी कोई ऑफ़र चल रही है उसके ज़रिए जमा कराते हैं, वो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आपकी जो जो रकम का 75% होगा और आपके कंपनी के अकाउंट में जा चुके होंगे, उसकी रसीदें भी आपने संभाल कर रखनी है, क्योंकि उससे पहले ये सारी चीज़ें चलेंगी और अपडेट उन्होंने खुद करना है, या कोई इशू आता है तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे। और ये नवंबर के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये अपनी बेल्टिंग करेगा। टाइम दिया है जी 2 माह का, कि 2 महीने के अंदर अंदर आप अपनी पेमेंट करें, लेकिन मैंने जो रिक्वेस्ट की थी वो मैनेजमेंट से वो 3 माह की थी, कि आप कम से कम 3 महीने का ज़रूर टाइम दें, ताकि इजीली लोगों को पता भी चल जाए कि आप बेल्टिंग करने जा रहे हैं और किस क्राइटेरिया पे करने जा रहे हैं, और वो अपनी पेमेंट आसानी के साथ कर लें। तो नाज़रीन, ये आज का बहुत बड़ा मैसेज था अपने नाज़रीन के नाम, कि जो लोग बार बार पूछते थे कि बेल्टिंग बेल्टिंग और बेल्टिंग बेल्टिंग आ गया, अब पेमेंट आपने करनी है और प्लॉट आपको सोसाइटी ने अलाट करनी है। बाकी रहेगा जी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक। एग्जीक्यूटिव का जो ही कोई हमारे पास नई चीज़ आती है, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का बता दिया जाएगा कि वो बेल्टिंग कब कर रहा है। उस कोई और आपका सवाल हो या आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या बुकिंग के हवाले से कुछ आपके तहफ़ात होते हैं, तो हमारे साथ दिए गए नंबर पर रबता कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन सर्विसेज फ्राहम की जाएंगी। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।